आलू की फसल में कटवर्म प्रबंधन। नमस्ते किसान भाइयों, आज हम आलू में लगने वाले कटवर्म संक्रमण और उनकी रोकथाम के बारे में बात करेंगे। कर्तक कीट यानी कटवर्म आलू के पौधों को नुकसान पहुंचाने के साथ और भी कई पौधों को प्रभावित करता है, जिनमें खरपतवार भी शामिल है। 16 से 23 डिग्री के तापमान के साथ लगातार शुष्क मौसम कटवर्म के विकास को बढ़ावा देती है। कटवर्म संक्रमण का विकास 4 चरणों में होता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और व्यसक कीट। मादा कीट पत्तियों के पीछे या मिट्टी में सफेद रंग और गुबंद के आकार के अंडे देती है। एक व्यसक मादा लगभग 300 से 350 अंडे देती है और एक समूह में लगभग 30 अंडे होते हैं। नए उभरे हुए लार्वा पीले या काले रंग के लगभग 1.5 मिलीमीटर लंबे होते हैं। पूर्ण विकसित लार्वा लगभग 42 से 45 मिलीमीटर लंबे एवं ज्यादा भूरे होते हैं। इनका शरीर मोटा, चिकना और बेलनाकार होता है, जिस पर धारीदार चिन्ह होते हैं। प्यूपा या कुशस्थ कीट हल्के भूरे एवं गहरे भूरे रंग के होते हैं। इनकी लंबाई 1.5 से 2 सेंटीमीटर होती है। ये आमतौर पर पत्ती के ढेर पर या उनके ऊपर पाए जाते हैं। कोशस्थ भूमिगत हो जाते हैं और आमतौर पर ऐसा होने में 10 से 30 दिन लगते हैं। व्यसक कटवर्म गहरे रंग के होते हैं, जिनकी पीठ पर भूरे धब्बे होते हैं। ये लगभग 25 मिलीमीटर लंबे होते हैं। व्यसक कटवर्म 7 से 10 दिनों तक जिंदा रहते हैं और आमतौर पर रात में निकलते हैं। इनका जीवन चक्र 48 से 77 दिनों में पूरा होता है। कटवर्म को रोकने के लिए चावल की भूसी का उपयोग। कटवर्म को आकर्षित करने के लिए चावल की भूसी के ढेर को देर दोपहर में अपने खेत के विविध जगहों पर फैलाएं। कटवर्म इनके नीचे छिप जाते हैं। अगले दिन कीट को चावल की भूसी से अलग कर खत्म कर दें। संक्रमित खेतों में रोपण से पहले थोड़े समय के लिए खेत में पानी भरने का सुझाव दिया जाता है। सही अनुपात में उपयोग किए जाने पर रसायन कटवर्म को रोक सकते हैं। इसके लिए क्लोरपाइरीफॉस 20% ईसी 2.5 ml प्रति लीटर पानी में डाल के आलू की मेड़ों को अच्छे से भिगोएं। भिगाने के लिए 1 एकड़ में 300 लीटर पानी का उपयोग करें। तो किसान मित्रों, सही समय पर कटवर्म संक्रमण की पहचान करके एवं उनकी रोकथाम कर आप अपनी आलू की फसल की रक्षा कर सकते हैं। अधिक ऐसी के लिए हमारी ज्ञान सीरीज के साथ